किशन भैया राम राम। आज का सरसों बाज़ार भाव की अगर बात करें तो आज सरसों के अंदर ज़ोरदार तेज़ी देखने मिली है। सोमवार और मंगलवार ने सरसों के भाव के अंदर गिरावटी, सोमवार ने 2550 रुपये तक की गिरावटी, बड़े मंगलवार ने 100 रुपये 125 रुपये तक की गिरावटी। लेकिन आज किशन भैया के लिए खुशखबरी है कि सरसों के भाव के अंदर 100 रुपयों लेके और 200 रुपये तक की तेज़ी देखने मिली है। सबसे पहली बात करें आप सलोनी प्लांटा की, तो सलोनी प्लांटा में शमशाबाद सलोनी प्लांट के अंदर 7500 रुपये की तेज़ी, 7700 रुपये का भाव रही है, 100 रुपये की तेज़ी रही है। दिग्नेर सरसों का भाव रही है 7700 रुपये, 100 रुपये की तेज़ी रही है। अलवर सरसों का भाव 7600 रुपये, 100 रुपये की तेज़ी रही है। कोटा सलोनी 7600 रुपये, 100 रुपये की तेज़ी है। और शारदा आगरा के अंदर 7250, बीपी आगरा 7150 का भाव आज रही है। जयपुर मंडी की भाव की बात करें तो सरसों 7900 रुपये, 7925 रुपये और 75 रुपये की तेज़ी है। भरतपुर, कामा, कुमेर, नदबई, डीग और नगर की जगह मंडियाँ हैं वहाँ के अंदर 6581 रुपये सरसों बिकी है और टोटल जगह तेज़ी है वह आज के भाव में 131 रुपये की तेज़ी है। हिसार मंडी के अंदर 5800 रुपये, 6000 रुपये क्विंटल तक सरसों बिकी है। बरवाला मंडी के अंदर 6100 रुपये, 6150 रुपये क्विंटल तक सरसों बिकी है। अलवर के अंदर 6600 रुपया, कोटा के अंदर 6000 रुपयों लेके 6400 रुपये क्विंटल तक सरसों बिकी है। नागौर के अंदर 6350 रुपयों लेके 6850 रुपये क्विंटल तक सरसों बिकी है। और गोयल कोटा 6800 रुपया तकरीबन, जोधपुर के अंदर 6550 रुपये क्विंटल सरसों बिकी है। खैरतल के अंदर 6550 रुपये, श्योपुर के अंदर 6100 रुपयों लेके 6250 रुपये क्विंटल तक सरसों बिकी है। और कोटा के अंदर 6581 रुपये, 131 रुपये की तेज़ी कोटा मंडी में भी देखने मिली है। सुमेरपुर के अंदर 6285 रुपये क्विंटल, मुरैना के अंदर 6050 रुपये क्विंटल, गंगानगर के अंदर 6200 रुपये क्विंटल, गंगापुर सिटी के अंदर 6650 रुपये क्विंटल और दिल्ली के अंदर 6575 रुपये क्विंटल 25 रुपये की तेज़ी देखने मिली है। निवाई मंडी के अंदर 6600 रुपये, 50 रुपये की तेज़ी देखने मिली है। टोंक मंडी के अंदर 6580 रुपये क्विंटल, 50 रुपये की तेज़ी देखने मिली है। चरखी दादरी के अंदर 6475 रुपये लेके 6525 रुपये क्विंटल तक 25 रुपये की तेज़ी देखने मिली है। और आज की अगर आवक की बात करें तो राजस्थान के अंदर तकरीबन 1,00,000 बोरियाँ की आवक हुई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर 20,000 बोरी, उत्तर प्रदेश के अंदर 35,000 बोरी, हरियाणा पंजाब के अंदर 10,000 बोरी और गुजरात के अंदर 10,000 बोरी। देश की बाकी जिकी मंडियाँ वहाँ के अंदर 40,000 बोरी। कुल आवक की अगर बात करें तो 215,000 बोरियाँ की आज सरसों के अंदर आवक देखने मिली है। अब कई किसान भैया को सवाल रहे कि ये जगह थे भाव बता रहे हो, ये भाव मानने को मिले, तो ये जगह भाव ये व्यापारियों का भाव है। व्यापारी के अंदर आपको मंडी टैक्स है, पलदारी का है, जो भी सारा खर्च है वो निकाल के भी के बाद में भाव किसान ने दी तो 200, 250, 300 रुपया के तकरीबन नीचे को भाव मिलेगा। अगर आज 6000 रुपया अपन नज़दीकी मंडी के अंदर सरसों बिक्री है तो 5800 या 5850 रुपये के आसपास किसान ने भाव मिलेगा। तो ये जो भाव है वो व्यापारियों को भाव अभी और आज तेज़ी देखने मिली, तो कुल मिला के उम्मीद करा कि ये जो हफ्तों है के अंदर सरसों के अंदर तेज़ी बरकरार बनी रहेगी। वीडियो में शेयर जरूर करियो ताकि अपना और जो किसान भाई मां के तक भी जानकारी पहुँच सके। राम राम साहब।